बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज इंतहाई खुशी हो रही है कि जिस लीडर के साथ मैंने अपने मिशन का आगाज किया था, आज मैं उसके साथ खड़ा हूं। हमने 96 में जब इस पार्टी की बुनियाद रखी, मैं उस वक्त फारिग हुआ था तालीम से और इमरान खान के साथ शौकत खालिम की कैंपेन शुरू की, और फिर जब तहरीक इंसाफ की वजूद में आई तो मैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया और उस वक्त से इमरान खान के साथ हूँ। इस दौरान हमने बड़े अप्स एंड डाउन देखे, हमें काफ़ी दफ़ा इलेक्शनों में गए, शिकस्त हुई, लेकिन हम अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े हुए। क्या वजह था कि हमने इमरान खान का साथ दिया? सिर्फ बुनियादी वजह है कि नंबर वन ये है कि हम एक इस्लामिक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट चाहते हैं। इस्लामिक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का बुनियादी मकसद ये है कि एक आजाद और खुददार और खुद मुख्तार मुल्क जिसमें कोई किसी की डिक्टेशन नहीं चलेगी। पाकिस्तान अपनी पॉलिसियों में आजाद होगा, पाकिस्तान अपने मफादात के मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाएगा, जो पाकिस्तान के मफाद में होगा उसके मुताबिक पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान की अपनी आजाद खारिजा पॉलिसी होगी, और उस आजाद खारिजा पॉलिसी की बुनियाद पे हमने जद्दोजहद की। इमरान खान ने हमेशा खुददारी की बात की और वो हमेशा दुनिया के सामने और अपनी कौम के साथ उन्होंने ये बात कही कि न मैं खुद किसी के सामने झुकूंगा और न अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। आज हमने साबित कर दिया, जो सारा ड्रामा है वो कौम के सामने आ गया है। मैं खुद तमाम तफसीलात दे चुका हूं, बाकी डिटेल आपको मालूम है, मैं इसमें ज्यादा नहीं देना चाहता। मैंने फैसला किया कि चूंकि खान साहब की वो इस वक्त एक मुश्किल में है, एक तकलीफ में है, और उसके ऊपर एक जो उसका मिशन है और जो उसका कौम के साथ वादा था, उसकी वजह से उसके खिलाफ अदम इतमाद आया। मैंने खान साहब से खुद कहा कि अगर इमरान खान नहीं रहेगा तो असद कैसर भी नहीं रहेगा, और मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की कि मैं इमरान खान से पहले रिजाइन दूंगा। मुझे इस बात पे फख्र है, ये हमारी जद्दोजहद खत्म नहीं हुई, जद्दोजहद शुरू हो गई है। ये एक लंबा इनिंग हमने खेलना है, ये मैराथन है, हमने आगे स्ट्रगल कर दी है। मैं अपने कौम को कहना चाहता हूं, हमने घबराना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है, हमने जद्दोजहद करना है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे कि ये पाकिस्तान किसी का डिक्टेशन नहीं लेगा। मैंने अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने इलाके के साथ, मैंने उसको भी सुरखरू कर दिया। कम अज कम मैंने बता दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ अहदे का ख्वाहिशमंद नहीं हूं, मैं अपनी लीडर और उसके मिशन के साथ हूं, और मैं हमेशा अपने लोगों के लिए जद्दोजहद करूंगा और अपनी पार्टी की जो मंशूर है उसको आगे बढ़ाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे पाकिस्तान में खान के साथ, इमरान खान के साथ जो है ना दौरों पे निकलूंगा। पेशावर भी इमरान खान साहब का इरादा है, जलसा बाकी भी पूरे पाकिस्तान में पूरी जलसों की एक तरतीब दी जा रही है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके पास जाएंगे। हमें वहां अवाम ने इज्जत दी और इंशाअल्लाह ताला हम अवाम के पास जाएंगे और अवाम को अपने साथ खड़ा करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।